विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड सांख्य दर्शन में बंधन और मोक्ष विचार की चर्चा हम पिछले वीडियो में भी कर रहे थे, उसी का अगले भाग के संदर्भ में जो है बंधन और मोक्ष की बात हम करेंगे। सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो है बंधन और मोक्ष विचार की चर्चा देखने को हमें मिलती है। बंधन किस प्रकार से पुरुष का होता है और बंधन होने के उपरांत जो है उसे मोक्ष किस प्रकार से मिल सकती है, मोक्ष किन साधनों के द्वारा मिल सकती है, उनकी चर्चा जो है हमने की है। और आगे जो है इसके संदर्भ में मोक्ष के विचार के रूप में, मोक्ष का स्वरूप है किस प्रकार का है, मोक्ष के प्रकार के रूप में उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि बंधन के संदर्भ में हमने पहले देखा था कि जब पुरुष का प्रतिबिंब प्रकृति के ऊपर पड़ता है, प्रकृति है चेतन और पुरुष चेतन है, प्रकृति और पुरुष का जब संसर्ग होता है, या हम यूँ कहें कि प्रकृति की मोहात्मक या माया की शक्ति या विद्या की शक्ति के कारण जब पुरुष उसके निकट आता है और निकट आने से पुरुष का प्रतिबिंब जो है प्रकृति के ऊपर पड़ता है, तो जैसे ही प्रकृति के ऊपर पुरुष का प्रतिबिंब पड़ता है तो पुरुष जो अपना स्वरूप भूल जाता है और अपना स्वरूप भूल कर यह समझने लगता है कि मैं प्रकृति या प्रकृति का ही कोई विकार। देखिए, पुरुष जो है प्रकृति या प्रकृति का विकार नहीं है, प्रकृति के साथ में उसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन अज्ञानवश प्रकृति चूंकि अज्ञान या विद्या का रूप मानी जाती है, तो प्रकृति के निकट जैसे ही आता है आकर्षण शक्ति के कारण या विद्या के कारण या मोह के कारण, तो वो अपना स्वरूप भूल जाता है और वो स्वरूप भूल कर यह समझने लगता है कि मैं प्रकृति हूं या प्रकृति का ही कोई विकार हूं, ये समझना ही उसका बंधन है। ये आवरण जब चढ़ गया, अज्ञान का आवरण जब चढ़ गया, तब वो जो है अपने आप को बंधन में डाल देता है। और ये जब वो विवेक और अविवेक में, आत्मा और अनात्मा में, नित्य और अनित्य में, ज्ञान और अज्ञान में भेद नहीं कर पाता है तो वो बंधन में पड़ जाता है। और जब वो बंधन में पड़ जाता है तो वो दुखी हो जाता है, और जब दुखी हो जाता है तो वह जो है उस दुख से छुटकारा पाने का प्रयास करता है। हम भलीभांति जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब दुख से पीड़ित होता है तो दुख से छुटकारा पाने का प्रयास ढूंढने लगता है, उसके साधनों को ढूंढने लगता है। उसी प्रकार से पुरुष जो है प्रकृति के सानिध्य को पाकर जब अपना स्वरूप भूल जाता है तो बंधन में पड़ जाता है, और बंधन में पड़ने के बाद में उसे एहसास होता है कि मैं दुखी हो गया हूँ। इस दुख से छुटकारा किस प्रकार से पाया जाए, दुख से छुटकारा पाने के लिए या अपने यथार्थ स्वरूप को पहचानने के लिए वह जो है ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से, विवेक ज्ञान के द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। तो विवेक ज्ञान या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति ही जो है मोक्ष का साधन माना गया। अब प्रश्न उठता है कि विवेक ज्ञान या सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो या उसका बोध कैसे हो पुरुष को। तो सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए या विवेक ज्ञान की प्राप्ति के लिए सांख्य दर्शन जो है पुरुष के लिए जो है अष्टांग योग का सारा लेता है। और अष्टांग योग के अंतर्गत जो है यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान और समाधि है, ये 8 सोपान है। इन 8 सोपानों का पालन करते हुए योगी या साधक जो है अविवेक या ज्ञान का नाश करके जो है अपने स्वरूप को पा सकता है, आत्मा अपने स्वरूप को पहचान सकती है और जिसके कारण वो बंधन में पड़ी थी उसका नाश कर सकती है। तो योग के द्वारा जो प्रतिपादित मार्ग है, चाहे वो यम की बात करें जिसमें हम पंचमावर्तों के संदर्भ में चर्चा करते हैं, अहिंसा है, सत्य है, अस्त्य है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है, ये 5 प्रकार के जो है आपका यम है जिसमें यम के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं। उसके बाद में नियम, 5 प्रकार के नियमों की जो सदाचार के नियम है, नियम में शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर प्राणिधान की चर्चा की जाती है। उसके बाद में विभिन्न प्रकार के आसन जो अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए, व्याधियों से लड़ने के लिए आसन का प्रयोग किया जाता है ताकि शरीर जो है मजबूत हो और जो है साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सके। उसके बाद में प्राणायाम की बात की जाती है कि श्वास प्रश्वास के नियंत्रण की प्रक्रिया है जिसमें श्वास को रोकना, श्वास को छोड़ना जो प्राणायाम के रूप में हमें देखने को मिलेगा कि श्वास को हम तेज गति से अंदर की ओर खींचेंगे, फिर श्वास को अंदर के अंदर रोके रखेंगे, फिर श्वास को
बाहर छोड़ेंगे। तो ये जो है प्राणायाम की प्रक्रिया है, उसके बाद में प्रत्याहार से तात्पर्य इंद्रियों और मन को बसीभूत करने का प्रयास करना। फिर धारणा में योगी या साधक जो है किसी एक विषय को धारण करने का प्रयास करते हैं, अपना मन जो है उस विषय पर केंद्रित करते हैं, फिर निरंतर उसका अभ्यास किया जाता है तो वो ध्यान की अवस्था होती है, और ध्यान से वो किस में पहुंच जाता है, समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है। समाधि जो है दो प्रकार की जो है मानी जाती है, एक संप्रज्ञा समाधि और एक जो है संप्रज्ञा समाधि। संप्रज्ञा समाधि में योगी या साधक का जो है विषय बना रहता है, और असंप्रज्ञा समाधि में योगी या साधक के विषय का लोप हो जाता है। दोनों में अंतर ही है। तो संप्रज्ञा समाधि में साधना के मार्ग पर चलता हुआ वो जो है स्थूल शरीर पर अपना ध्यान करता है, सूक्ष्म शरीर पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, फिर इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करता है, फिर अहंकार पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन चीजों का लोप करता जाता है, और लोप करते हुए वो असंप्रज्ञा समाधि में पहुंच जाता है। तो असंप्रज्ञा समाधि में क्या बच जाता है, उसका जो है संस्कार बच जाते हैं। तो संस्कारों का लोप करके जो है वो उपाय परते में पहुंचता है, वहां पर उसे जो है ये ज्ञान होता है, विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होती है कि मैं जो है शुद्ध चैतन्य नित्य मुक्त पुरुष हूं। आत्मा जो है अपने स्वरूप को पहचानती है, जो अज्ञान के कारण जो है वो प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेती है, वो विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होने पर जो है वो अपने स्वरूप को पहचानती और वो समझने लगती है कि मैं प्रकृति या प्रकृति का कोई विकार नहीं हूं, मैं जो है शुद्ध चैतन्य नित्य मुक्त जो है पुरुष हूं या आत्मा हूं। यही जो है उसका ज्ञान है, जो मोक्ष की अवस्था जो है सत और चित जो है मोक्ष की अवस्था मानी गई है। जैसा कि हम देखते हैं कि मोक्ष की अवस्था सामान्य रूप से मानी जाती है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद किससे तात्पर्य क्या, सत चित और आनंद। सत का तात्पर्य नित्यता, चित से तात्पर्य चेतना और जिसमें आनंद मय स्थिति हो। तो सत चित आनंद से सच्चिदानंद की जो अवस्था मानी गई है वो मोक्ष की अवस्था मानी जाती है, परंतु सांख्य दर्शन में जो है आनंद की अवस्था को नहीं माना गया है, सत और चित की अवस्था को ही माना गया है कि सत और चित जो है आनंद से तात्पर्य तो सुख, और यदि मनुष्य जो है सुखी होगा तो उसे दुखों का भी भोग करना पड़ेगा, क्योंकि सुख और दुख तो क्या है, सापेक्ष है। तो एक की उत्पत्ति होती तो फिर दूसरे की भी उत्पत्ति होगी, इसलिए केवल जो है सत और चित की अवस्था को जो है क्या माना गया है, मोक्ष की अवस्था के रूप में देखने को मोक्ष की जो अवस्था मानी गई है वो सत और चित शुद्ध चैतन्य जो अवस्था है उसी को हम जो है सांख्य के रूप में जो है मोक्ष की अवस्था देखते हैं। तो ये ज्ञान की प्राप्ति जो है उसे तब होती है जो वो असंप्रज्ञा समाधि में जाकर जो है उपाय पड़ते के अंतर्गत अपने स्वरूप को पहचान लेता है, जब उसे ये अनुभूति होती है कि मैं प्रकृति या प्रकृति का कोई विकार नहीं हूं, तब वो जो है यथार्थ स्वरूप को पहचान लेता है और उसके ऊपर जो आवरण था वो मिट जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखें, जैसे अज्ञानवश जो है हम जो है रस्सी को ही सांप समझ लेते हैं, और जैसे ही हम जो है रस्सी को जाकर देखते हैं और हमें रस्सी के रूप में दिखलाई पड़ती है तो वह हमारा जो अज्ञान है वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ जो प्रकृति का जो भ्रम हो गया था, प्रकृति का जो आवरण चढ़ गया था, वो आवरण जो है हट जाता है और पुरुष अपने यथार्थ स्वरूप को पा लेता है, यही उसका मोक्ष का रूप माना जाता है। तो यहाँ पर सामान्य रूप से भारतीय दर्शनों के अंतर्गत जो है मोक्ष की अवस्था जो है मोक्ष जो है दो प्रकार से माने गए हैं। एक जो माना गया है वो तो जीवन मुक्ति, और दूसरी जो मानी गई है वो विधेय मुक्ति। दो प्रकार की मोक्ष के संदर्भ में चर्चा बहुत सारे दर्शनों में हमें देखने को मिलती है, चाहे निर्वाण और महापरिनिर्वाण के रूप में या जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति के रूप में देखने को मिलती है। तो देखिए कि जीवन मुक्ति का तात्पर्य क्या है, जीवन मुक्ति से तात्पर्य जीवन के रहते हुए अपने सांसारिक कर्मों का परित्याग कर देना। जीवन मुक्ति से तात्पर्य क्या लिया गया है कि जीवन के रहते हुए, जीवन तो है लेकिन सांसारिक कर्मों का परित्याग किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अपने स्वरूप को पहचान लिया गया, विवेक ज्ञान के द्वारा जो है या तत्व ज्ञान के द्वारा या सम्यक ज्ञान के द्वारा अपने स्वरूप को पहचान लिया गया। लेकिन ये शरीर जो है हमारे पूर्व जन्मों के सांसारिक कर्मों का परिणाम है, जब तक सांसारिक कर्मों का परिणाम भोग नहीं लेता तब तक हमारा ये शरीर क्या है, बना रहता है। तो शरीर के रहते हुए ही व्यक्ति ने क्या प्राप्त कर लिया, मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, उसे हम जीवन मुक्ति के रूप में देखते हैं कि शरीर बना हुआ है लेकिन
आत्मा ने अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लिया है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर जो है वो समस्त प्रकार के जो हमारे कर्म है, सांसारिक कर्म जो है उनका परित्याग कर दिया है। तो ये जो है जीवन मुक्ति है। जैसा कि उदाहरण आप देखोगे कि एक कुंभकार जो होता है, कुम्हार जिसे हम कहते हैं, वो घड़े का निर्माण करने के लिए चाक को घुमाता है, और जैसे ही चाक को घुमाना बंद कर देता है उसके बाद भी वो चाक में गति करता रहता है, वो चाक घूमता रहता है। किसके कारण? क्योंकि हमने उसमें जो गति दी है, गति देना तो बंद कर दिया, लेकिन गति जो पूर्व में दी गई थी उसके वेग के कारण अभी भी वो चल रहा है। जब तक वो वेग समाप्त नहीं होगा तब तक वो चाक घूमता रहता है। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण में आप देखिए कि हम साइकिल चलाते हैं और तेज गति से साइकिल चलाने के बाद में उसे जो है गति देना बंद कर देते हैं तो भी साइकिल जो है चलती रहती है। कब तक चलती रहेगी? जब तक उसकी गति जो दी गई थी वो समाप्त नहीं होती है। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में हमारा जो है, हमने सांसारिक कर्मों का तो परित्याग कर दिया लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों का फल अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी शरीर बना हुआ है वह जो है जीवन मुक्ति का रूप माना जाता है। जीवन मुक्ति के अंतर्गत हमारा शरीर जो है बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि आपने अब तो कर्मों का परित्याग कर दिया लेकिन पहले जो कर्म किए गए थे उसका परिणाम अभी तक शरीर ने नहीं भोगा, और जब तक शरीर नहीं भोगेगा, नहीं पूर्ण कर लेता तब तक उसका शरीर बना रहेगा। तो जीवन मुक्ति से तात्पर्य जीवन के रहते हुए अपने आप को मुक्त कर लेना, और विदे मुक्ति से तात्पर्य क्या? सशरीर मुक्ति। विदे मुक्ति से तात्पर्य लिया गया सशरीर मुक्ति, कि शरीर के नाश हो जाने के बाद में शरीर आता, सांसारिक कर्मों का परित्याग तो कर ही दिया, साथ में शरीर का नाश भी जब हो जाता है तो उसे विदे मुक्ति कहा जाता है। विदे मुक्ति से तात्पर्य है कि जन्म मरण का जो क्रम है वो समाप्त हो जाता है। जन्म मरण का जो निरंतर क्रम रहता है कि सूक्ष्म शरीर जो है एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है, स्थूल शरीर को ग्रहण कर लेता है, फिर उस शरीर को छोड़कर जो है दूसरे शरीर को, ये परंपरा ये जो है निरंतर चलती रहती है। विदे मुक्ति के अंतर्गत जो है ये जो परंपरा जो चल रही है वो समाप्त हो जाती है, उसके सांसारिक कर्मों का नाश हो जाता है, वो अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेता है, वो ये समझने लग जाता है कि मैं प्रकृति या प्रकृति का विकार नहीं हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य नित्य मुक्त सत्ता हूँ, न तो मेरा जो है जन्म होता है नहीं मेरी मृत्यु। ये जो स्थिति है वो विदे मुक्ति का रूप है जिसने सशरीर मुक्ति प्राप्त कर ली है। तो विदे मुक्ति के अंतर्गत जो है सशरीर मुक्ति की बात की जाएगी। जीवन मुक्ति के अंतर्गत जो है जीवन के रहते हुए जिन्होंने सांसारिक कर्मों का परित्याग कर दिया है उसे हम देखने को मिलता है। तो जीवन मुक्ति और विदे मुक्ति के रूप में जो है दो विभाजन हमें देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन के, मोक्ष के संदर्भ में और बंधन के संदर्भ में, कि सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन जो है एक दूसरे के विपरीत है, चाहे वो मोक्ष के संदर्भ में और जो है बंधन के संदर्भ में। वेदांत दर्शन जो है एक तत्ववादी है, अद्वैतवादी है, सांख्य दर्शन क्या है? द्वैतवादी है। इसलिए जो सांख्य दर्शन का बंधन है वो वेदांत का मोक्ष है, और जो वेदांत का मोक्ष है वो सांख्य दर्शन के लिए क्या है? बंधन का रूप है। क्योंकि सांख्य दर्शन जो है दो तत्वों की सत्ता मानता है, प्रकृति और पुरुष की सत्ता अलग अलग मानता है, इन दोनों का अलग अलग हो जाने का ज्ञान जो है मोक्ष का रूप माना जाता है, और इन दोनों का एक साथ संयुक्त हो जाना बंधन का रूप माना जाता है। उसके विपरीत वेदांत का यह मानना है कि एक ही तत्व है, ब्रह्म ही सत्य है, यह जगत जो है वो तो मिथ्या के रूप में माना जाता है। तो ब्रह्म और आत्मा का, ब्रह्म और ईश्वर का, ब्रह्म और जगत का, ये एक का भाव जो है वो तो मोक्ष के रूप में देखने को मिलेगा, कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मेव नापार, कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत तो मिथ्या है, जीव और ब्रह्म अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। तो जीव जो है अलग अलग रूप में समझने लग जाएगा तो उसका तो बंधन है, और जीव जब जो है ब्रह्म के साथ तादात्म्य संबंध स्थापित कर लेगा तो वह उसका मोक्ष का रूप है। प्रकृति और पुरुष दोनों जो है एक हो जाएंगे तो वो उसका बंधन हो जाएगा, और दोनों अलग अलग समझने लग जाएंगे तो वह जो है उसका मोक्ष हो जाएगा। तो दोनों में हम जो है असमानता में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है हमने सांख्य के
बंधन और मोक्ष के स्वरूप के बारे में चर्चा की, किस प्रकार से बंधन से छुटकारा जो अष्टांग योग के द्वारा सांख्य प्राप्त करने का प्रयास करता है उसके बारे में हमने इस वीडियो के अंतर्गत बतलाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।